नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। अनियमित जीवन शैली और उठने बैठने के गलत तरीकों के कारण होता है साइटिका। ऐसे लोग जिन्हें पहले से पीठ का दर्द है, उन्हें साइटिका होने की आशंका ज्यादा होती है। साइटिका का दर्द आमतौर पर शरीर के आधे हिस्से में ज्यादा परेशान करता है। नसों में खिंचाव, दर्द संबंधी समस्या को साइटिका कहा जाता है, जो कूल्हे और जांघ के पिछले हिस्से में होती है। यह दर्द तब शुरू होता है जब कूल्हे की साइटिक नस को क्षति पहुँचती है, इसलिए इसे साइटिका का दर्द कहा जाता है। लोअर बैक पेन की तुलना में इस दर्द में पैरों में असहनीय खिंचाव और पीड़ा होती है। साइटिका के साथ पैरों में होने वाली अकड़न और झनझनाहट पीड़ा और ज्यादा बढ़ा देती है। साइटिका अगर गंभीर हो जाए तो खड़े रहना और चलना मुश्किल हो सकता है। साइटिका होने के कारण: चीजों को गलत ढंग से झुककर उठाना, लंबे समय तक बैठे रहना, लंबे समय तक ड्राइविंग करना, मोटापा बढ़ना। चलिए बात करते हैं साइटिका के उपाय के बारे में। साइटिका में एपिड्यूरल इंजेक्शन के एक कोर से राहत मिल सकती है। इस थेरेपी में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले जोड़ के पास नसों में इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि जोड़ के क्षतिग्रस्त होने के कारण नसों में आई सूजन को कम करता है, जिससे स्पाइनल केनाल का व्यास बढ़ने से नसों के रक्त संचार में बढ़ोतरी होती है और मरीजों को असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पैरों की सारी उंगलियां, विशेषकर अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियों पर मालिश की तरह प्रेशर देने से तुरंत आराम मिलता है। रोगी के पिछले भाग व पिंडलियों पर उल्टे लिटाकर हाथ के अंगूठे से प्रेशर देने से भी जल्द आराम मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।